दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को जस्ट एक बार सुने और जस्ट शेयर करें। मुझे ना लाइक चाहिए ना कमेंट चाहिए, मुझे जस्ट शेयर चाहिए। इस वीडियो जितने ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, और ICI वालों से भी कुछ हेल्प होने की प्लीज़ मदद करें, क्योंकि मैं एक साथ इतना पैसा नहीं पे कर सकता। मैंने वूफर लिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूं? मैं बहुत परेशानी में हूं प्लीज़। मैं बहुत टाइम से इनके पीछे पड़ा हुआ, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहे ICI वाले। मैं आपको बताता हूं कहानी कहां से शुरू हुई। मैंने वूफर ख़रीदे पहले तो फ्लिपकार्ट से, ICI के क्रेडिट कार्ड से, लेकिन उसकी डेट बहुत ज़्यादा थी घर पहुँचने की, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिए और मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया दोबारा। आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जो मैंने फ़्लिपकार्ट से कैंसिल किए थे उनके पैसे तो वापस आ गए क्योंकि वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, लेकिन जो अमेज़ोन के थे वो EMI में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ तक सब सही था, लेकिन एक महीने बाद हमारे पास जो डिटेल निकल के आती है उसमें बैलेंस जो था वो हमें दोनों का पे करने को दिखा रहा था, या फिर बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपका ऐसे ऐसे बैलेंस वापस आ गया है कि आपको फोरक्लोज़ करना है। आपको एक बात बता देता हूँ, फोरक्लोज सिर्फ उसी का करवाइएगा जिसका कैंसिल हो चुका है, उसका नहीं जिसका आपने EMI भरना है। मैंने भी ऐसा कहा कि हाँ फोरक्लोज़ करना है, बट उन्होंने कहा कि आपको दोनों का करना है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आई और मुझे समझ में नहीं आया कि फोरक्लोज़ होता क्या है। मैंने कहा हाँ हमें फोरक्लोज़ करवाना है, लेकिन उस टाइम सुनाई नहीं दी अच्छे से कि वो दोनों का करने को बोल रहे हैं, तो मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने फोरक्लोज़ रिक्वेस्ट डाल दी। फोरक्लोज़ ऐसा होता है कि सारा बैलेंस एक साथ पे करने को आ जाता है ऑप्शन, और उन्होंने कहा कि 21 तारीख को आपका अपडेट हो जाएगा और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपको पे करना है। मैंने कहा ठीक है, शायद उसका ही फोरक्लोज होना होगा जो हमने कैंसिल किया है, तो मैंने ओके कर दिया। 21 तारीख बाद जब देखता हूँ तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल स्क्रीन पर हैं, सब बैलेंस ऊपर नीचे था, और मैंने 4,999 रुपीज़ के प्रोडक्ट खरीदा था, वूफर खरीदे थे, और मुझे पे करने को आ रहा था 4,800। अब देख सकते हो उसमें से मैंने 1 EMI पे भी कर रखी थी, मतलब हमें जो भी पे करना बाकी बचता था वो था 4,293, क्योंकि मैंने 878 की 1 EMI भी पे कर रखी थी, लेकिन फिर भी हमें 4,800 एक साथ पे करने को आ गया, और उनका प्रेशर बनाया गया कि आपको एक साथ पे करना ही पड़ेगा नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। मैंने बहुत कोशिश की उनको उस चीज़ को सही करने की, लेकिन उन्होंने अभी तक उस चीज़ को सही नहीं किया है। आज आपकी तारीख देख सकते हो आज की, कि आज किस तारीख को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मजबूरी हो गई है। वो मेरी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं, हर दिन नई कहानी बना के कुछ ना कुछ करके डेट को आगे किए जा रहे हैं। बाकी मैं सारी डिटेल्स आपके सामने दे दिया हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ जानकारी चाहिए तो आपको आगे ऑडियो में मिल जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसका एक एक प्रूफ दूंगा। ट्विटर पर आ जाइएगा, ट्विटर पर आपको एक एक प्रूफ मिलेगा हर एक चीज़ का। मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इन्होंने खुद खुद कबूल किया है कि हाँ इनकी तरफ से गलती थी, क्योंकि थी, इन्होंने कुछ चेक भी करवाया, माना भी कि इनकी गलती है, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, और दोबारा से गलती करके मेरे पे ही उल्टा हर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी, जस्ट शेयर, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ऑडियो शेयर कर रहा हूँ और एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ICI फ्रॉड के नाम से। अब उस प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। एवरी डे मैं 3 वीडियो डालूंगा इसकी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मैं जानता हूँ टाइम की कीमत क्या होती है। प्लीज़ उन वीडियो को जस्ट सुनिएगा और शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और हाँ जागरूक रहिएगा क्योंकि ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, और अभी का अमाउंट भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर मांगता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरी हर एक ऑडियो को प्लीज़। बहुत बड़ा फ्रॉड है मेरे साथ ये ICI क्रेडिट कार्ड वालों का, प्लीज़ हेल्प मी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। मुझे लाइक और कमेंट नहीं चाहिए, जस्ट शेयर करना है आपको प्लीज़। और अभी ऑडियो सुनिए। गुड इवनिंग, माय नेम इज कन्हैया, मैंने फोन बैंकिंग ऑफिसर, हाउ कैन आई असिस्ट यू सर? हम ये जानना चाहते थे कि जो हमारी ड्यू डेट है, अगर हम उसमें जो अमाउंट है हमारा, अगर हम वो ना भरें तो क्या होगा? ड्यू डेट के अंदर से जी, अगर हम ड्यू डेट के अंदर ना भर पाए तो आपके अकॉर्डिंग होता है। देखिए सर, वो बिल के अकॉर्डिंग भी होता है, फिर आपका बिल जितना बन रहा है उसके अमाउंट के हिसाब से, जैसे कि अभी बिल आपका ये जो बनेगा, मतलब 10,000 तक नीचे बनेगा सर,
ठीक है, जिस एक एग्जाम्पल वगैरह आपको पता चल जाएगा चार्जेस कैसे लगेंगे। अगर 10,000 से नीचे का अगर आपका बिल बन रहा है ना तो 500 रुपया प्लस जीएसटी आपका लगेगा, वो चाहे 2,000 बनने दीजिए, 5,000 बनने दीजिए, 8,000 बनने या 9,999 बने, 500 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था क्योंकि गलती आपकी गलती के कारण अभी हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा ना उसका, आप समझे नहीं। कार्ड नंबर यही रहेगा ना सर, 9007 जी। हाँ बताइए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आया सर आपको। प्रॉब्लम ये है ना सर कि हमने करी थी आपकी टीम से बात कस्टमर केयर से, और उन्होंने गलती से हमारा बैलेंस जो था वो फोरक्लोज कर दिया था। आपकी आवाज अच्छे से आ नहीं रही थी और हमने जो बताया वो उन्होंने अच्छे से सुना नहीं, और उन्होंने बैलेंस जो था वो फोरक्लोज कर दिया बिना हमारी जानकारी। अब हमारी जेब में पैसा है नहीं, हमारे जेब में फिर उतना पैसा है जितना हम ईएमआई भर सकते हैं, तो हम तो भर नहीं सकते पूरा पैसा। ऊपर से आपके यहाँ पे हमने वो करवाई थी, कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी, अभी तक कॉल नहीं आया है, 9 तारीख आने वाली है। आपकी गलती कंपनी की है और हजाना हम भर रहे हैं, तो हम किसको ब्लेम आपसे जाके बात करें, आप बताइए। यहाँ पे आस पास तो आईसीआई का बैंक नहीं सर, राज्य सर और माफी चाहेंगे सर, अगर रिपोर्ट आपके नॉलेज हुआ है और रिपोर्ट आपके परमिशन अगर ईएमआई माफी चाहेंगे इसके रिगार्डिंग। सर माफी से क्या पैसे कौन भरेगा सर, मैं किससे बात करूं अभी, मेरे को आपके पास क्या है, क्यों करते हो आप बात, क्यों रखा है कस्टमर केयर अगर कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप अकाउंट से कुछ कर नहीं सकते हो, सीनियर भी नहीं कर सकते आपके, और आपके जो मेन मैनेजर है वो कॉल बैक कर नहीं रहे हैं। एक मिनट हम भी चेक करते हैं कुछ रिक्वेस्ट है क्या सर, आगे सर आपके कार्ड पे बस एक मिनट सर, हमें क्या एक दो मिनट का कॉल होल्ड पर रखे, अपने कंसल्टेंट से चेक करते हैं सर, तो बिल बहुत उनसे आपकी बात करवा देंगे। ओके तो क्या हम होल्ड पर रख सकते हैं दो मिनट से? जी जी प्लीज थैंक यू। Dear customer, at ICICI Bank, we value your time. Hello? हाँ जी सर। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर होल्ड करने के लिए, मैं माफी चाहेंगे थोड़े नंबर सुनने के लिए सर। इसके रिगार्डिंग हमारे कंसर्न टीम से बात हुई, और सर अगर आप कहें तो सर हम आपको श्योरली देखिए सर, आप बातों में गलत मत लीजिए, क्योंकि हम आपको रेजोल्यूशन देने के लिए ही हम आपको ये बता रहे हैं सर। हम अपने मैनेजर को इसके विषय में बताएं कि विदाउट कस्टमर नॉलेज ई एम आई को कैंसिल किया गया, रिक्वेस्ट किया गया, जिसका हर जाना कस्टमर को करना पड़ा, थोड़ा परेशान हो रहे हैं काफी, तो इसको रेजोल्यूशन चाहिए। तो सर ये 100% बोल रहे हैं सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और हमें कल तक का मौका दीजिएगा सर, एक लास्ट टाइम दीजिएगा चांस, और जो भी टाइम बताएंगे हम आपको कॉल बैक उस समय तक अरेंज कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। बट सर बहुत परेशान है क्योंकि 9 तारीख आने वाली है सर। बिल्कुल सर, लेकिन हम श्योर कर रहे हैं ना सर, हम श्योर कर रहे हैं आपको कल कॉल बैक करवा देंगे अपने मैनेजर के एंड से, और आपको रेजोल्यूशन 100% दिलवा देंगे सर। बस हमें अपना टाइम बता दीजिएगा, इस समय तक हम प्रीफर टाइम रहेंगे, हम उनको मेल करके बता देते हैं कि ऑलरेडी एक्सप्लेन को कर दिए, बस आपको टाइमिंग हमें बता दीजिए, उस समय तक हम आपको कॉल बैक अरेंज करते हैं सर। कल 12 से 5 बजे के बीच में कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं, 12 to 5 और एक तो मोबाइल नंबर पर देख लीजिएगा सर। सर इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं नंबर बता देता हूँ। करेंगे सर ठीक है, और टाइमिंग सर आप जो बता रहे 12 से लेकर 5 बजे के बीच में, राइट? जी जी राइट। तो 12 से 5 बजे के बीच में हम आपको कॉल बैक करवा देंगे, कार्ड नंबर 9007 जो भी आपको ये विदाउट आप बता रहे हैं सर, जो भी आपके साथ हुआ शोर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए, बस हम आपको पिकअप टाइमिंग के हिसाब से कॉल बैक अरेंज कर देंगे। ओके सर, ये नंबर मेंशन कर दीजिए, सर ये नंबर मेंशन कर दीजिए जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ। ये 0008 राइट सर? हाँ जी सर, दूसरा नंबर सॉरी एक और नंबर है उसको भी रजिस्टर। हाँ बता दीजिए ना सर। 82 हेलो सर, हम ये कंसर्न टीम को मेल किए थे और आपको शोरली कल कॉल बैक करना है। ओके सर, गारंटेड है ना, पक्का ना कॉल बैक आ जाएगी ना 5 बजे? सर देखिए हम अपने तरफ से प्रॉमिस किए ना सर आपको, हम तो ऑलरेडी इनको बताए कल आपको शोरली कॉल बैक करेंगे। दो नंबर आपने दिया, इससे नहीं रहेगा दूसरे पे तो रहेगा ना सर। जी जी ठीक है जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।